और ग्वालियर क्राइम ब्रांच और थाटीपुर पुलिस ने चोरी और डकैती के मामले में कई सालों से फरार चल रही तीन आरोपियों को यूपी के मैनपुरी से गिरफ्तार किया है। इनमें दो सगे भाई भी हैं। इनके खिलाफ कोर्ट ने चार स्थायी वारंट भी जारी किए हैं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और थाटीपुर पुलिस ने चोरी और डकैती के मामले में तीन आरोपियों को मैनपुरी से गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि वाहन चोरी के मामले में फरार चल रहे पंकज और राजेंद्र धानुक इन दिनों मैनपुरी में मजदूरी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने एक टीम को मैनपुरी रवाना किया था। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने जब इन लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ग्वालियर का ही एक इनामी शाकिब खान भी यही रहकर गाड़ी चलाने का कार्य करता है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ में कोर्ट से स्थायी वारंट भी पूर्व में जारी हो चुके हैं। यह आरोपी करीब 9 साल से फरार चल रहे थे। हाँ, थाटीपुर के अंतर्गत एक कार्रवाई हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इनामियों को पकड़ रही है। ये ऑपरेशन चल रहा है और विगत 2 माह से लगातार इनामियों को पकड़ने का ऑपरेशन जारी है। इसमें कई इनामी पकड़े गए हैं, जिसमें 10,000 के भी हैं और 7,000 के, 5,000 के, 3,000 के। इसी तारतम्य में कल क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा एक मैनपुरी की इन्फॉर्मेशन पर जिला मैनपुरी जाकर यूपी और वहाँ से तीन आरोपियों की हिरासत में लिया है, जिसमें से एक आरोपी के खिलाफ 3,000 का इनाम उसकी गिरफ्तारी पर घोषित